गाइस तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज गेम प्ले कर रहे हैं क्रिकेट 19 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। फर्स्ट इनिंग स्किप कर दी गई है, अब सेकंड इनिंग का गेम प्ले होगा जहां पर टीम इंडिया को चाहिए 60 गेंदों में 128 रन की जरूरत। जी हां, T10 मुकाबला है। इमाद वसीम गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, शिखर धवन को नॉन स्ट्राइकर पे, रोहित शर्मा बढ़िया फ्लिप शॉट यहाँ पर। पहली गेंद पर जो है शिखर धवन ने जो है खाता खोलता हुआ अपना भी और अपना टीम का भी पहली गेंद पर एक रन दिया। विथ फेस करेंगे यहाँ पर। अब जो इमाद वसीम को बढ़िया ड्राइव यहाँ पर दो फील्डर के बीच में से निकल जाएगा गेंद चार रन के लिए। लास्ट बॉल पे ओपी शॉट लगाया था यहाँ पे, दिस टाइम यहाँ पर बीट करवा दिया लास्ट बॉल इस ओवर की। देखते रोहित शर्मा कहाँ पे शॉट खेलेंगे, फ्लिप शॉट लेकिन होगा डॉट बॉल। सेकेंड ओवर शाहिन अफरीदी को दिया, मिस टाइमिंग यहाँ पे धवन से, लेकिन सिंगल निकाल जाएगी इजिली यहाँ पर धवन। अभी स्ट्राइक पे रोहित, वन मोर टाइम धवन यहाँ पर फेस करेंगे, फिर एक बार लेग साइड में खेला शॉट यहाँ पर फिर से मिलेगा सिंगल, टाइमिंग पूरा खराब हो रहा है धवन से। लास्ट बॉल इस ओवर की काफी बढ़िया ओवर गुजरा अफरीदी का, लेकिन इस बार फुल शॉट बढ़िया चौका निकाल गए धवन। शादाब खान न्यू बॉलर को यहाँ पे अटैकिंग पे लगाया गया पाकिस्तान की तरफ से, मिस टाइमिंग रोहित की तरफ से और ये शायद कैच आउट हो गए और जे बिल्कुल यहाँ पर कैच आउट और इसी के साथ रोहित शर्मा आउट होते हुए कोहली आगे बैटिंग को। धवन फेस करेंगे यहाँ पे शादाब खान को, हल्का सा बेहतर शॉट और लॉफ्टेड शॉट था, मिस टाइमिंग के साथ कैच आउट होते हुए बैक टू बैक दो विकेट मिल गए शादाब खान को और इसी के साथ यहाँ पर ये गेंदबाज हैट्रिक पर है। धवन आउट होते हुए संजू सैमसन आ चुके हैं बैटिंग के लिए, लेकिन फिलहाल जो है शादाब खान हैट्रिक के ऊपर, कोहली करेंगे इनका फेस। 45 बॉल में अभी भी 115 रन की जरूरत है, देखना पड़ेगा इस गेंद पर क्या करेंगे। बढ़िया ड्राइव और पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा सिंगल, हैट्रिक मिस होता हुआ यहाँ पर शादाब खान का। फर्स्ट बॉल फेस करेंगे संजू सैमसन शादाब खान का, बढ़िया ड्राइव यहाँ पर दो फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई है चार रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, हसनैन को गेंदबाजी दी यहाँ पर, एक अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में, डॉट बॉल हो गया यहाँ पर कोहली के लिए। 40 में 108 रन चाहिए हसनैन, फिर एक बार कोहली को बढ़िया गेंद डाली है, पुल शॉट और चार रन लिए गए कोहली। लास्ट बॉल पे बहुत बढ़िया चौका लगाया था, इस बार लॉफ्टेड शॉट और बिल्कुल स्ट्रेट खेला है और ये जाएगा सीधा 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया था, अब तक बढ़िया ओवर गुजरा टीम इंडिया के लिए यहाँ पे। लॉफ्टेड शॉट, मिस टाइमिंग और जी बिल्कुल क्या शॉट हो गए यहाँ पर विराट कोहली, बहुत बड़ा विकेट मिला है टीम पाकिस्तान को कप्तान आउट होते हुए और बल्लेबाजी पे हार्दिक आएगा। लास्ट बॉल इस ओवर की बल्लेबाजी पे हार्दिक, बहुत बढ़िया फील्डिंग शॉट है। शादाब खान कंटिन्यू कर रहे गेंदबाजी, लास्ट ओवर में दो विकेट निकाल गए थे यहाँ पर, बेहतर शॉट, पीछे फील्डर है, कमाल की फील्डिंग की वहां पर फील्डर ने, दो रन डेफिनेटली बचाए अपने टीम के लिए यहाँ पर। हार्दिक फर्स्ट टाइम फेस करेंगे यहाँ पे शादाब खान को, लॉफ्टेड शॉट बिल्कुल स्ट्रेट और फील्डर वहां पे मौजूद है, दर्शक बनेंगे 6 रन। अभी भी 32 बॉल्स में 86 रन चाहिए यहाँ पे। इस बार संजू सैमसन सेम डायरेक्शन में शॉट और रिजल्ट सेम 6 रन। लास्ट बॉल इस ओवर की बहुत अच्छा ओवर गुजरा टीम इंडिया के लिए, बेहतर शॉट खेला है फील्डर मौजूद, लेकिन बीट कर जाएगा गेंद चौकी के लिए। हसनैन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजी, हार्दिक करण का फेस यहाँ पर, स्ट्रेट शॉट खेला है कुछ देर के लिए, धरवा में जरूर की सिंगल कंप्लीट किया यहाँ पे हार्दिक ने। संजू फेस करेगा आप यहाँ पे हसनैन को, बहुत बढ़िया यहाँ पे पुल शॉट और शायद चार रन निकाल जाएगा यहाँ पे संजू, बहुत बढ़िया 57 रन 3 विकेट यहाँ पे टीम इंडिया के, बेहतर शॉट यहाँ पर टीम मिड विकेट की दिशा में, चार रन एक और बार यहाँ पर, दो बाउंड्रीज लगा दिए संजू ने इस ओवर के अंदर, एक और अच्छा शॉट इस बार मिस टाइमिंग हुआ है बल्लेबाज से, दो रन का कॉल कर गए यहाँ पर संजू, देखना दिलचस्प होगा। हार्दिक डेंजर जोन पर पहुंच गए, दो रन निकाल गए, बहुत बढ़िया रन। लास्ट बॉल इस ओवर की बहुत बढ़िया ओवर गुजरा टीम इंडिया के लिए यहाँ पे, सिंगल की कोशिश करते हुए दोनों बल्लेबाज और जी बिल्कुल पूरा कर गए सिंगल। लास्ट 4 ओवर का गेम प्ले बचा है, 63 रन अभी भी चाहिए यहाँ पर, हार्दिक लॉफ्टेड शॉट और गेंद जाएगी सीधा बार 6 रन के लिए। बढ़िया स्वागत किया यहाँ पे रोफ का वैसे टीम इंडिया ने, ओ यहाँ पर शायद LPW आउट है, ये क्लियरली आउट है यहाँ पर जी बिल्कुल, वैसे मेरे पास में रिव्यू तो है, शायद जाना बेकार होगा क्योंकि बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर आउट था, नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे रिव्यू के लिए। संजू सैमसन आउट होते हुए यहाँ पर, अय्यर आ गए बल्लेबाजी को, हार्दिक फेस करेंगे यहाँ पे रोफ को, शॉर्ट पिच गेंद बेहतर यहाँ पे कट शॉट और चार रन बटोरते हुए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हार्दिक। लास्ट बॉल इस ओवर की रोफ की, विकेट के साथ में काफी रन दिए इस ओवर में, एक और कट शॉट सिंगल कंप्लीट करने की कोशिश और कर गए, बहुत बढ़िया। न्यू बॉलर हाफिज को गेंदबाजी दिए, हार्दिक रहेगा स्ट्राइक के ऊपर, बेहतर शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और फील्डर को कोई चांस नहीं गेंद रोकने का चौका। अब 17 गेंदों में 46 रन की जरूरत है, थोड़ा लेग साइड में गेंद डाली यहाँ पर, खींच के शॉट खेला हार्दिक ने और सिंगल ले जाएगा, 16 में 45 चाहिए अब तो। अय्यर फर्स्ट टाइम फेस करेंगे यहाँ पर जो है हाफिज को, बढ़िया शॉट बिल्कुल स्ट्रेट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन बनेंगे दर्शक, गेंद जाएगी क्रॉस में, चल कुछ कहां से गेंदबाजी नहीं कर पाया अब तक के हाफिज यहाँ पर, एक और अच्छा शॉट बैक टू बैक दो यहाँ पर सिक्स निकालते हुए अय्यर, 14 में 33 दो सिक्स ऑलरेडी लगा चुके हैं अय्यर यहाँ पर, खराब गेंद और ये वाइट होगा यहाँ पर ऑफिस की तरफ से, खराब गेंदबाजी, स्टिल 14 गेंदों में 32 रन की जरूरत है, अय्यर काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिस टाइमिंग यहाँ पर और डॉट बॉल। लास्ट बॉल हाफिज की, बहुत महंगा ओवर गुजरा है यहाँ पर और लीजिए शॉट तो खेला है और बिल्कुल गेंद जाएगी यहाँ पर 6 रनों के लिए, बहुत अच्छा ओवर गुजरा टीम इंडिया की।
रोफ यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, हार्दिक को 12 में 26 रन की जरूरत है। स्ट्रेट शॉट काफी बढ़िया फील्डिंग की वहां पे, रोफ ने सिंगल नहीं रोक पाया, लेकिन ओवर द विकेट गेंदबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अय्यर को यॉर्कर की कोशिश और बोल्ड, अय्यर का विकेट निकाल गए रोफ यहाँ पर। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये जरूरत थी यहाँ पर विकेट की, और बिल्कुल डिलीवर किया रोफ ने, और प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर। अब अय्यर आउट होते हुए वॉशिंगटन सुंदर है बैटिंग के ऊपर, फर्स्ट बॉल फेस करेंगे रोफ का। यहाँ पर बैकफुट से बढ़िया पंच यहाँ पर डीप पॉइंट की दिशा में मिलेगा, सिंगल बल्ले बाउंस को, स्ट्राइक पर आएगा हार्दिक। हार्दिक ने अब तक के बहुत बढ़िया बैटिंग की, इस बार यॉर्कर की कोशिश, बहुत बढ़िया रिप्लाई यहाँ पर हार्दिक से, और एक और गेंद जाएगी सीधा क्रॉस के अंदर 6 रन के लिए। ओवर द विकेट गेंदबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे रोफ, एक और यॉर्कर, इस बार फुल टॉस कह सकते हो इस गेंद को, यॉर्कर सही तरीके से कर नहीं पाए और 2 रन की कोशिश है, दूसरा रन थोड़ा ट्रिकी था, पहुंच गए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। लास्ट बॉल रोफ की 7 गेंदों में 16 रन चाहिए, हार्दिक कोशिश करेंगे स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए। बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर, फील्डर मौजूद वहां पे, अच्छी फील्डिंग की वहां पे, 2 रन का कॉल कर गए वॉशिंगटन सुंदर डेंजर जोन पर, और विकेट, ये क्लियरली विकेट है यहाँ पे, रन आउट होगा यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर। एक और विकेट गवाया टीम इंडिया ने यहाँ पे, और रन आउट के रूप में वॉशिंगटन सुंदर आउट होते थे। ठाकुर आ चुके हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए, शोएब मलिक को दिया है लास्ट ओवर, 6 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पे ठाकुर रहेंगे, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंगल निकालने की जरूरत है यहाँ पे ठाकुर को, एग्जैक्टली सिंगल निकालने की कोशिश, और जी बिल्कुल कामयाब हो गए इस बार। अब हार्दिक आएगा स्ट्राइक के ऊपर जो कि बहुत जरूरी था टीम इंडिया के लिए, 5 गेंदे अब 14 रन की जरूरत है। लग रहा है ऐसा यहाँ पर कि हार्दिक बड़े शॉट डिलीवर कर सकते हैं, अब तक की काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है यहाँ पर। बढ़िया शॉट, टाइमिंग बहुत ही गजब का, और ये जो शॉट जाएगा डीप पॉइंट की दिशा में 6 रन के लिए, बहुत ही आला सिक्स और बहुत जरूरत थी सिक्स का। 4 गेंदों में 8 रन की जरूरत है यहाँ पर। हार्दिक फिर एक बार उसी डायरेक्शन में शॉट खेला है, कट खेला, लेकिन टाइमिंग खराब वहां पर, और फील्डर को बीट नहीं कर पाए, डॉट बॉल हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत है टीम इंडिया को। हार्दिक जब तक खेल रहे तो उम्मीद आप लगा सकते हो कि टीम इंडिया मुकाबला निकाल जाएगा। 42 रन पर हार्दिक, लॉन्ग टेस्ट शॉट सेम डायरेक्शन में डीप पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद जाएगी क्रॉस में 6 रन के लिए, और कहीं ना कहीं अब जो है टीम इंडिया मुकाबले में बहुत जबरदस्त वापसी कर चुका है। 2 गेंदों में 2 रन की जरूरत है, और हार्दिक बहुत आला बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। हार्दिक का स्कोर जहाँ पहुंचा है 48 रन, अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। शोएब मलिक क्या गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, फिर एक बार ऑस्टन से बाहर की गेंद, कट शॉट, और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। इसी के साथ जो है टीम इंडिया विन कर चुका है, और हार्दिक पांड्या अपना जो 50 पूरा कर दिया, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने, और अपनी टीम को विन करवा दिया यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर। बेहतर कट शॉट खेला था लास्ट बॉल पर, और जी बिल्कुल यहाँ पे टीम इंडिया गेम प्ले में जो है विन कर चुका है T20 के अंदर, बहुत ही थ्रिलिंग गेम प्ले देखने को मिला यहाँ पर। तो दोस्तों ये ना स्कोर कार्ड आप लोगों के सामने पाकिस्तान और इंडिया का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यार वो वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो गए यार तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस गेम प्ले का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे जो है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, और चलिए बाय बाय।